पारिक राजस्थानी स्टूडियो। गाय बड़ी है सीधी सादी, इसके फूल सींग निराले हैं, धुले वस्त्र जैसे सफेद, वह बाल पूंछ पर काले हैं। घास और भूसा दोनों ही को बड़े मजे से खाती है, हिला हिला कर लंबी धूम को मक्खियां स्वयं उड़ाती है। रोज सुबह खुशी खुशी वो बाहर चरने जाती है, जो कुछ हरा भरा खेतों में पाती वो खा जाती है। शाम सुबह प्यारे बछड़े को अपना दूध पिलाती है, और बछड़े की को नहीं हमें भी दूध बहुत सा देती है। इसलिए हम सब हिंदुस्तानियों को यही नारा भाता, हमको प्यारी लगती है यारों गौ माता। बोले गौ माता की। भाई साहब, गौ माता हमें क्या क्या देती है? माखन, छाछ, दूध, दही, घितसों। माखन, छाछ, दूध, दही और घी। पहले के जमाने में, जमाना तो यही था, लेकिन पहले जो कुछ समय निकल गया, कलयुग की बात कर रहे हैं, गायों के घी से ही यज्ञ होते थे, गायों के घी से हवन होता था, फिर बाद में भैंस के दूध से होने लग गया। अब तो भाई साहब भैंस के दूध से भी हवन नहीं होता है, अब तो हमारे खाने के लिए तो हम असली घी लाते हैं भैंस का, 600 रुपए किलो का। और कभी कथा करवाई तो दुकानदार साहब से कहते हैं, बोले घी भी दे देना साहब। बोले काहे का कि हवन का। उन्होंने कहा भैया 150 का डिब्बा निकाल दे, 150 रुपए का डिब्बा जिसमें खुशबू नहीं आ रही, बदबू आ रही, उस घी से हम गणानंदा गणपति गुम हवा महे ओम प्रियनंद। और यूं कर रहे हैं, तेरा तुझी को अर्पण क्या भैया, 150 रुपए का डिब्बा तू खा, मेरे बच्चे तो 600 रुपए का घी खाते हैं। लो, भगवान को भी बेवकूफ समझते हैं हम लोग। हम कितने चालाक हैं, जबकि गुरु महाराज ने कहा कि निर्मल जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न पावा। लोग भगवान से भी चालाकी कर रहे हैं। अरे माखन, छाछ, दूध, दही, घित सो सबसे करे सुखारी, गैया लागे मोह प्यारी। तीन लोग निवास करते हैं गौ माता में,
बोरी अति दीन रहे सब के आदि नया में बसे लोग तीन सुर नाग गंधर्व जाके घर होए गाय वाके भाग्य को सिरा है। जिसके घर में गौ माता है ना वो बड़ा भाग्यशाली है, उसके भाग्य की सराहना तो शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। वो जाके घर होए गाय वाके भाग्य को सिरा है, वहां दौड़ो चलो आए सारे तीर्थ को पर्व। अभी अभी हमारे उज्जैन में सिंहस्थ था, सारे तीर्थों का पर्व वहां निवास करता था सिंहस्थ मेले में, या फिर सारे तीर्थों का पर्व गौशाला में निवास करता है। गौ माता की गौशाला को क्या मान रहे हो आप, बहुत बड़ा सिंहस्थ है। लेकिन हम तुम्हें जा रहे हैं, घर में गौ माता नहीं है तो माफ करना, सिंहस्थ जाने का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। 8 सिद्धि नौ नित्ति यहां पर हो, आठ सिद्धियां और नौ नित्तियां गौ माता की गौशाला में झाड़ू लगाती है। जिन सिद्धियों के लिए संत महात्मा अपना जीवन निकाल देते हैं उन सिद्धियों को आप गौ माता की गौशाला में प्राप्त कर सकते हो। आठ सिद्धि नौ नित्ति यहां पर शान है बेल। वाई की संतान जाए जो तत् किसान निपी जावे धन धान बेलगाड़ी में चलाए। बोझ कंधे पे उठाए मार सब ही की खाए, कंधे पर वजन भी उठाता है बेल सबकी मार भी खाता है। नाक में नकील डलवा दी नाथ डलवा ली फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, क्या बात है सर। बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो बेल को समय पर चारा नहीं डालता और लकड़ी रहती ना वो पराना जिसको बेल हांकने का उसके आर रहती आर एक कील ठोकी जाती है और उसको कील चुबा रहा है। अरे भाई तूने इसको चारा भी नहीं डाल रहा, ये धीरे धीरे चल रहा है कील चुबा रहा है, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। क्योंकि एक कहावत में की के जीका घर में भैंस उनका बेल बंद खेच, जीका घर में घोड़ी उनका बेल चर रोड़ी। घोड़ी को दाल खिलाते हैं बेलों को कौन खिलाए, रोड़ी भी चर रहे बेचारे। तो देखिए वाई की संतान जाए जो तत् किसान निप जावे धन धान बेल गाड़ी में चलाए। बोझ कंधे पे उठाए मार सब ही खाए, नाक अपनी छिदाए तहु बोले कछु नाए। इसीलिए तो भोले बाबा ने बेल को अपना वाहन बनाया है। अरे तब ही वाहन वृषभ बनायो,
पुरारी गैया जागे मोहे प्यार। अरे मोरे ब्रज की आनंद नारी गैया नागे मोहे प्यार। माखन जाग दूध दई घित सहो सबसे करे सुपारी गैया नागे मोहे प्यार। मोरे ब्रज की महान दुलारी गैया नागे मोहे प्यार। बहुत अच्छे साहब, चार धाम की यात्रा करने वालों, जिसके घर में गौ माता के चारों पांव उसके आंगन में पड़ गए हैं, गौ माता के चारों पांव ही चार धाम की बात है। चार धाम का फल चारों पांव में छुपा हुआ है। चार पांव चार धाम धर्म अर्थ मोक्ष काम तागी देत अविराम ताप अपनो न जाए। चार धाम धर्म अर्थ मोक्ष काम ताहि देत अविराम ताप अपनो न साए। ताप अपनो न साए अंत स्वर्ग को सीधा है। स्वर्ग जाने में उसे कोई मना नहीं करता जो गौ माता की सेवा करता है। ताप अपनो न साए अंत स्वर्ग को सीधा है। महातोड़ जल आए सारी मुक्ति पर। गौ माता की सेवा करने वाला तो तर ही जाता है, पर उसकी सात पीढ़ी भी तर जाती है गौ माता सेवा करने वाले की। अरे आप तरे सब पुरखन तारे, आप तरे सब पुरखन तारे और वो बेगुंड का अधिकारी। ओ मोरे ब्रज की आनंद नारी गैया नागे मोहे प्यार। मनवारे मनवारी मनवारे जय हो। देखिए भगवान कहते हैं, खुद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं,
इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके पुकार करती है, तभी मैं अवतार लेके आता हूं। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े सागर हैं प्रशांत जैसे, हिमालय जैसे पहाड़ हैं जिनसे बोझे नहीं मरती है, ये पापियों से बोझे मरती है। और पापी कौन है? जो माँ बाप की कदर नहीं करता, बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, गौ माता की इज्जत नहीं करता, अपने देश की अपने गांव की कदर नहीं करता, ऐसे लोगों से ये जमीन बोझे मरती है। देखिए बड़े पृथ्वी पे भार रूप गई है निकोदार, बड़े पृथ्वी पे भार रूप गई है निकोदार, जाके करेगी पुकार तब मैं ले अवतार। जब मैं अवतार लेके आता हूं बंधु, बड़े पृथ्वी पे भार रूप गई है निकोदार, जाके करेगी पुकार तब मैं ले अवतार। कभी राम बन के आऊ, कभी कृष्ण बन के आऊ, इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर मैं कभी अभिनय करता हूं राम का, कभी कृष्ण का। वो कभी राम बन के आऊं, कभी कृष्ण बन के आऊं, गैया बन में चराऊं करूं दुष्टन सहार। एक भगत ने भगवान से पूछा कि भगवान आप कहां रहते हो? मैंने काशी वृंदावन हरिद्वार प्रयाग नासिक हर जगह आपको ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिले। भगवान ने कहा कि मैं कहां रहता हूं सुन, जिसके घर में हो गौ सेवा हो, 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 जिसके घर में हो गौ सेवा वहां बसे गिरधारी गैया लागे मोके प्यार। ओ जग पालन हारी गैया बोले गौ।